अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के साथ और नए लोग के साथ फिर हाजिर हैं। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ओट, जिसे हम जौ का दलिया भी कहते हैं। और ये नाश्ते में बनाते हैं हम लोग ज़्यादातर, जो कि डाइटिंग और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। ये देखें, क्विकर का है वाइट ओट्स, और ये बनाना भी बहुत ही ईजी है और जल्दी से बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा, आप सब कैसे हैं कमेंट में ज़रूर। और आपकी तरफ मौसम कैसा है? दूध तो गर्म हो गया है, तो इसमें मैं ओट डाल देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से बहुत बारीक होते हैं। मुझे लग रहा है कम, तो इसमें 1 चम्मच और डालूंगी। और उसके बाद हम इसमें पिसे हुए बादाम भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच। इससे जो है जायका अच्छा हो जाएगा। चलें जी, हमारा नाश्ता तो हो गया है। अब जो है परिंदों के नाश्ते का इंतजाम कर देते हैं। बाजरा डालते हैं। एक तो इन्होंने ये सेफ्टी के लिए लगाया तो हुआ है जंगला पर। जिससे हाथ बाहर जाना बहुत मुश्किल है। आज जो है मौसम भी ठंडा है, ठंडा ठंडा मौसम। यहाँ पे सहन तो होते नहीं है, तो विंडो में थोड़ी देर के लिए बंदा आके खड़ा हो जाए, ताज़ा हवा मिल जाती है और ऑक्सीजन मिल जाता है। चलो जी, मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे लंच। तो आज लंच में मैं बेसन की रोटी बनाऊंगी, जिसमें प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया वगैरह डाल के बेसन डालेंगे इसमें। और जो आम रोटी पकाने वाला आटा होता है, गंदम का आटा, थोड़ा सा वो भी डालेंगे साथ में। कभी कभी जो है दिल करता है इंसान कुछ चेंज खाए। तो इतना थोड़ा सा बस आटा डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद इसमें डालूंगी मैं सूखा धनिया,
लाल मिर्च, सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से इस पर ज़रूर डाल रही हूँ, आप भी वैसे ही डालिएगा। एक्चुअल मेरे मेयरमेंट नहीं बता रही मैं आपको, और थोड़ी सी मेथी भी डालेंगे। मेथी को आप जब भी डालें हाथ में ऐसे मसल के अच्छी तरह से फिर डालें, और उसके बाद ये हरी मिर्चें, प्याज और धनिया ये डालें। गर्मियों में तो ये वाली रोटी बहुत ही अच्छी लगती है, लस्सी के साथ आप इसको खाएं मज़ा आ जाता है। जी तो मिक्सचर हो गया है तैयार, इतना सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें मैंने करवंजी भी डाली है थोड़ी सी, उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। चलिए जी अब हम बनाते हैं रोटी। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना बस। उसके बाद इसको डाल के इस तरह से फैला दूँ ताकि ये पतली और अच्छी रोटी बने, गोल मोटी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसे हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि अंदर तक पक जाए। एक साइड से जो है वो रोटी पक गई है, देखें अब मैंने साइड तब्दील की है ताकि उधर से भी हल्की आंच पर पक जाए। रोटी को कलर तो आ गया है, अब अच्छे से बन गई है। रोटी पक गई है, अब मैं इस पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी ताकि अच्छे से और पक जाए। इसे हम लोग पंजाबी जुबान में मिसी रोटी भी कहते हैं। And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. चले जी मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ थोड़ी सी विंडो शॉपिंग।
इतना मोटा मोटा स्टफ है यहाँ पे, जैसे हम लोग मरी में रह रहे हैं। और ठंड यहाँ पे आती नहीं। ये देखें, एक शर्ट है बस, यह है 60 रियाल की। ये है स्कर्ट, और ये है 70 रियाल। रेट देखें आप, रेट बहुत ही हाई है। स्टफ भी कोई ख़ास नहीं है, और ये शर्ट कॉटन की है। इसका रेट भी मैं आपको बताती हूँ, 65। ये फ्रॉक टाइप ये कुछ अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। ये है गीलन का, और ये भी 80 रियाल का है। ये फ्लीस का कपड़ा होता है जैसे वैसे है, ये 55 रियाल का। ये ट्राउज़र हैं, ये 50 रियाल का है। ये जूतियों के कलेक्शन देखी, ये है 35 रियाल की। यहाँ पे जो है ऐसी जूतियाँ सिंपल सिंपल यूज़ करते हैं। बैग्स की वैरायटी अच्छी आई हुई है। ये वाला बैग भी 70 रियाल का, और ये देखें छोटा सा बैग है, उसका रेट क्या है, इसका भी 70 रियाल रेट है। ये जूता अच्छा लग रहा है मुझे।